दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, रीत को लेकर के आप काफ़ी दिनों से, यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि जनवरी में जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम होने वाली थी तब से लेकर के जब घोषणा हुई थी 2 अगस्त की, तब से आप असमंजस में बने हुए थे कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के लिए लेकर के अभी काफ़ी मंत्रणाएँ चल रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर के फिर डाउट था कि क्या 2 अगस्त होगी, उसके बाद में कोरोना काल चालू हो गया, इसके समाप्त होने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है और एक डर लग रहा है कि पता नहीं ये कब तक होगा। इसी बीच एक राहत भरी खबर आई है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने फेसबुक लाइव करके जो 2 दिन पहले जो न्यूज़ दी थी उसके बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूँ, उस चीज़ को आप समझिएगा गौर से। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा सवाल ये था कि रीट वैकेंसी कब तक आएगी, इसके आवेदन कब तक होंगे, इसके बाद में इसकी परीक्षा तिथि क्या होगी और सबसे बड़ा सवाल था इसका सिलेबस क्या होगा। ये आपके सबसे बड़े सवाल बने हुए थे, उनके सबके जवाब स्टेप बाई स्टेप देता जा रहा हूँ, आप उन चीज़ों को सुनते जाइएगा। ऐसे तो काफ़ी न्यूज़ आपको पढ़ करके सुना दी गई होगी, लेकिन एक विस्तार से आपको कुछ चीज समझाने जा रहा हूं इन शॉर्ट में। आप ध्यान दीजिए, रीट भर्ती जो 2020 है, यहां पे ये पहले ये था कि ये टेट के नाम से हो सकती है, ये सब कुछ चीजें नहीं है, ये भी रीट के नाम से ही होगी, ये रीट के नाम से ही चलेगी। तो रीट भर्ती 2020 है, इसमें यहां पे आपकी है कि आवेदन तिथि और सिलेबस, पहले मैं इन चीजों के बारे में बात करके मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या होगा। आवेदन तिथि क्या होगी मैं आपको बता दूं कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक चीज क्लियर की है कि जब भी आपके एग्जाम होगी उसके 3 महीने पहले आपके जो आवेदन है वो जारी कर दिए जाएंगे, या फिर मैं ये कहूं कि आपके आवेदन जारी करने के 3 मंथ बाद ही आपके एग्जाम ली जाएगी। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि चाहे वो सेकंड ग्रेड की बात हो चाहे आपकी रीट की हो, आपको मिनिमम 3 मंथ्स का जो टाइम है प्रिपरेशन करने का वो जरूर दिया जाएगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपकी एग्जाम एकदम से कंडक्ट करवा ली जाएगी, तो मिनिमम 3 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। पहले आपको जो टाइम दी गई थी वो 2 अगस्त का टाइम दिया गया था, ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा, ये उनके जो स्पीच दिया गया उसके ऊपर ये राय लगाई जा रही है, और उन्होंने भी सितंबर बोल दिया था गलती से, ठीक है, मतलब अगस्त की जगह उन्होंने सितंबर बोल दिया था, जो निर्धारित पहले था वो अगस्त का था लेकिन अब सितंबर बोला है। तो यहाँ पे चल रहा है कि उन्होंने बोला कि निर्धारित समय पर ही होगा, तो यहाँ पे जो निर्धारित समय होगा मतलब अब जो बोला उन्होंने सितंबर में ही, क्योंकि अगस्त में तो जो क्राइसिस चल रहा है ना, इस क्राइसिस की वजह से आपको भी पता है कि सरकार चाहते हुए भी ये चीज़ नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने क्लियर किया है कि ये सितंबर में चल, तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि 5, 6, 7 या जो भी डेट सुटेबल होगी ना, जो फ्री होगी उस डेट को सितंबर के, मतलब ये मान के चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। अगर सितंबर में ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी तो मतलब उससे 3 महीने पहले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका जो मंथ है सितंबर का, कौन सा मंथ होगा आपका 9 मंथ होगा, ठीक है, इसके आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके 3 महीने पहले ये हो जाना चाहिए, मतलब आपके मई के अंदर, ठीक है, मई के अंदर आपको पता है कि मई के अंदर इसके नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए, ज्यादा भी नहीं, जैसे 3 मई को आपका लॉकडाउन खत्म होता है तो इसके बाद में 4, 5, 6 मई के आसपास जब होगी इसके बाद फिक्स आपको 3 मंथ का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आप जून को काउंट मत कीजिए क्योंकि जून के स्टार्टिंग में हो जाएगी, तो यहाँ इसके बाद में मई के बाद में आपका जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मई में ये मान के चलिए कि 10 से 15 ये मई के बीच में आपको 10 से 15 मई के बीच में ये आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये 10 से 15 तक होता है तो यहाँ पे फर्स्ट वीक से आगे जा सकता है, मतलब ये सितंबर में, लेकिन सितंबर में इसके एग्जाम होने के पूरे चांसेस होंगे। अगर 3 मई को लॉकडाउन खत्म होता है और ये 4, 5 मई को ही नोटिफिकेशन निकाल देते तो फर्स्ट वीक में आपके सितंबर के में एग्जाम होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपको ये चीज मैंने बता दी कि परीक्षा तिथि और इसके आवेदन तिथि, तो आवेदन तिथि कब होगी, मई के अंदर आपके इसके जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। आपके जो मन में डर बना हुआ था कि इसका सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, इसके सिलेबस में साफ साफ ये चीज बोली गई है कि इसके सिलेबस के अंदर जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्लियरली बोला है, सिलेबस के अंदर नो चेंज है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो आप जो प्रीवियस जो आपके सिलेबस था, जो आपके बुक्स थी, उनके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा आपका सबसे बड़ा सवाल मन में, एक जो डाउट था कि इसका जो 70-30 का जो रेशियो था ये क्या यही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, जो आपके जो फाइनल ईयर के जो नंबर जोड़े जाते थे ग्रेजुएशन के उसके आधार पर जो किया जाता था, इसमें अभी खुलकर के कोई भी बात या मंत्रणा नहीं हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वो आधिकारिक घोषणा तब करेंगे जब सारी की सारी चीजें अधिकारियों से बातचीत करके मीटिंग बुलाकर की सारी चीजें होंगी, लेकिन आपकी फर्स्ट स्टेज जो एग्जाम की है ये कंप्लीट करवाने के बाद, ये तो बाद में भी हो सकता है, इसको लेकर के आपको बाद में ऑफिशियली हर चीज के लिए अपडेट दे दी जाएगी। तो अभी इस चीज की टेंशन छोड़ी, हो सकता है इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाए
में ये हो सकता है, इसमें कोई आपके एक पेपर रखा जाए, कोई एग्जाम भी रखी जाए, वो एक आगे आपको बताया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही जानना जरूरी है कि इसमें सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मई तक इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेज रहेंगे मई के फर्स्ट वीक के अंदर। इसके बाद सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में जहाँ तक इसके सेप्टेम्बर में एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स का इन शॉर्ट में सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट और एक लाइक करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और प्लीज़ दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, आपका प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।